हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का सहयोग के बिना हमारा चैनल अधूरा है। जैसा कि आप लोगों का प्यार कमेंट्स के माध्यम से मुझे मिलता रहता है, आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो पहली वीडियो मैंने आपको आपके साथ शेयर की थी, उसका आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत सारे लोगों ने उसको सीखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसी तरह मैं आज दूसरी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। और अगर आप पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं उसको। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो मैं दूसरा पार्ट इसका लेके आई हूँ, ये बहुत ही आसान है। ये भी आप इसको कुछ ही टाइम यदि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे ज़रूर सीख लेंगे। और इसको सीखना इतना आसान है जितना देख रहे हैं आप मेरी वीडियो, इतना ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं इसको किस प्रकार सीखेंगे। सबसे पहले हम ढोलक को रखने का तरीका देख लेते हैं। बड़ा वाला पोर्शन उल्टे हाथ की साइड आएगा और छोटा वाला पोर्शन जो है वो सीधे हाथ की साइड आएगा। और हमें इसमें ज़्यादा नंबरों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। इसकी ताल कुछ इस तरह रहेगी, दो दो मतलब दोनों हाथों को चलाना है, एक मतलब सिर्फ एक फिंगर को चलाना है। तो दो एक दो, इस तरह से हम इसकी ताल को बजाएंगे। तो फिर से देखेंगे, दो मतलब कि हम दोनों तरफ बजाएंगे और एक फिंगर से एक बजाएंगे। तो देखिए इसको, देखिए इस तरह से बजाएंगे, दो एक, जो हमारी एक फिंगर बजेगी वो देखिए यहाँ पर इस तरह से बजेगी एक, तो ये देखिए। और दो आपको बस ढोलक के ये साइड के किनारों पे ही इस तरह से लगाना है। ये देखिए, दो एक दो, दो एक दो, और फिर एक दो, फिर बजाएंगे, दो एक दो, एक दो एक, दो एक दो, ये एक सेट होगा, दो एक दो, एक दो एक, ये पूरा कॉम्बिनेशन होगा। फिर से देख लेते हैं इसको, दो एक दो, एक दो एक। तो इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू रिवाइज करिए। फिर से देख लेते हैं, देखिए दोनों हाथों को हमको एक साथ ही लगाना है, इसमें रुकने का कोई भी चक्कर नहीं है। इस वाली ढोलक में कि आपका एक हाथ रुक जाता था, एक हाथ चलता रहता है, इसमें आपको दोनों हाथ बिल्कुल बराबर ही तरीके से लगाना है। देखिए एक दो, ये पहले जब हम शुरू करेंगे तो दोनों ही हाथों से हम बजाएंगे, देखिए दो एक, और ये दो, और फिर एक दो एक। फिर से देखते हैं इसको, दो एक दो, एक दो एक, दो एक दो, एक दो एक, दो एक दो, एक दो एक। इसी तरह से हम धीरे धीरे इसको आगे चलते जाएंगे। देखिए दो एक दो, एक दो एक, 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 दो एक दो, एक दो एक। एक जब हम बोलेंगे तब हमको एक ही फिंगर को इस पर यहाँ पर टैप करना आएगा, तो इसलिए साउंड थोड़ी सी इसमें अलग आएगी। फिर से देखते हैं इसको, दो एक दो, एक दो एक। हर बार आप इसको मुंह से उच्चारण करते समय, बोलते समय आप इसको बजाएंगे तो बहुत जल्दी आपको आ जाएगी। एक दो एक, दो दो एक, दो एक, दो एक। इसको कंटिन्यू बजाएंगे तो देखिए धीरे धीरे, मैं इसको धीरे धीरे तेज करूंगी, देखिए इस तरह बजेगी ये, दो एक दो, एक दो एक, दो एक दो, एक दो एक।
आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से ये बजना शुरू हो जाएगी। इसमें ज़्यादा नंबरों का ध्यान भी नहीं रखना है और इसमें सिर्फ हमको हाथ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दो बार हमारे दोनों ही हाथ चलेंगे और एक बार सिर्फ एक फिंगर बजेगी। दो एक दो एक दो एक, तो आप इसको देखिए दोनों हाथों को फिर से देखिए, फिर से बता रही हूँ मैं, दो एक दो दो एक दो, दो मतलब दोनों तरफ ही आपको बजाना है, दोनों बार दोनों दोनों ही पोर्शन में आपको इसमें बजाना है। एक बार दो एक दो एक दो एक, तो देखिए इस तरह आप इसको बजाते रहेंगे तो आप यकीन मानिए बहुत ही जल्दी आप ढोलक को बजाना सीख जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। आशा करती हूँ आप जरूर सफल होंगे इस कार्य में अगर आप सीखना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।